आध्यात्मिक तीर्थ मुनि सुभोक्ता धाम के इस पावन धाम में परम पूज्य कालिका गणी के स्वार्थ माता जी के चरणों में सशक्त बना हूं। मैं 2017 में माता जी के दर्शन करने आया था। जब राजमंत्री पटेल जी उस समय कोटा के अध्यक्ष थे, उनका आग्रह था और उस समय माता जी की कल्पना थी कि इस साल देश का सबसे धार्मिक आध्यात्मिक आस्था का केंद्र और आज इस सप्ताह में पूरा यहां पर देखा। माता जी की आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों से इस सारे क्षेत्र के अंदर यह हमारा आध्यात्मिक का केंद्र भी है, आस्था का केंद्र भी है और धार्मिक पर्यटन स्थल भी है। उस समय भी माता जी का एक विचार था कि इस स्थल को देश का धार्मिक पर्यटन स्थल आस्था का केंद्र बनाया। आज पुनः उन्होंने यही बात मुझे जिक्र करी, क्योंकि माता जी का संकल्प विश्वास जो भी इस आस्था के केंद्र में आएगा, भगवान तीर्थंकर भगवान के दर्शन करेगा, आशीर्वाद देगा, उसके मन जीवन के अंदर व्यापक परिवर्तन है। और मैं देख रहा हूं कि आपका संकल्प, आपका विश्वास जो आपने संकल्प इस जगह से लिया था, आज संकल्प को मैं पूरा होता देखी और इसलिए ये मुनि सूतनाथ जी विगम्बर जी का विषय मंदिर और हमारी धाम की प्रेरणा स्वस्ति भूषण माता जी के अद्भुत संकल्प की देन है। इस देश का सबसे आस्था विश्वास धार्मिक केंद्र बनेगा। यहां भगवान महावीर के उपदेश, उनके जीवन और उसके साथ साथ देश और दुनिया के अंदर संतों के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान का एक आर्ट और वीडियो नई टेक्नोलॉजी का ऑटोक्लेव बनाने का संकल्प भी माता जी का। मुझे आशा है माता जी का सपना भी हम सब मिलकर पूरा करें। मैंने फिर विनोद जी की ड्यूटी लगाई कि आज ही मैं देखकर साथ पर माता जी ने आदेश दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि साथ पर इतना कार्यक्रम हुआ तो निश्चित रूप से पुनः माता जी का दर्शन करने आऊंगा। क्योंकि आज आया तो भी माता जी का मौन, लेकिन उस समय पर्याप्त समय नहीं आता। आज का यहां कोई आना आना नहीं हुआ, आपको बातचीत है। युवा केवल
इसी स्थान से आपका आपका साहित्य मिलेगा, आपका अद्भुत ज्ञान मिलेगा, हमें नई प्रेरणा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। तो नई प्रेरणा ऊर्जा आध्यात्मिक ज्ञान से अब समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति ले जाने का प्रयास करेंगे। आपको पुनः शस्त्र बदलाव भी शस्त्र प्रणाम और आपका संकल्प इसी तरीके से पूरा हो, यही भगवान का भी धन्यवाद।